दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी अनयूजुअल प्लेसेस के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में आप अर्थ पर ही रहते हैं या किसी और प्लैनेट पर, क्योंकि यहाँ होने वाली अनयूजुअल चीजों से साइंटिस्ट भी हैरान है। इन प्लेसेस पर नॉर्मल साइंस काम नहीं करता। अनयूजुअल दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बचपन में खेल खेल में कुर्सी पर टावल मारकर स्टैटिक करंट पैदा करने वाला एक्सपेरिमेंट तो आपने भी किया होगा। असल में दो चीजों को आपस में रगड़ने पर एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं और इस तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होती है। लेकिन हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो कोई बच्चों का एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि कुदरत का एक अजीब मंजर था। चाइना के कुमतक डेजर्ट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें टूरिस्ट के बाल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से खड़े हो गए थे। इनके फोन में हो रहे साउंड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कितनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। हालांकि 5 मिनट बाद ये लोग वहां से सेफली चले गए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फनी और इंटरेस्टिंग दिखने वाली घटना रियल में काफी डेंजरस है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बिजली आपके नजदीक गिरने वाली होती है तभी स्टैटिक चार्ज जनरेट होते हैं और आपके बाल इस तरह खड़े हो जाते हैं। इसे सिंपल भाषा में समझें तो उस वक्त तूफानी हवा चल रही थी। तूफानी बादल एटमॉस्फेयर में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे थे। तेज हवा से रेत के कण भी उड़कर आपस में टकरा रहे थे जिससे वो स्टैटिकली चार्ज हो रहे थे और इस तरह से टूरिस्ट के बालों में वो चीज नजर आ रही है। हमारी माने तो जब भी ऐसी कोई घटना आपके साथ हो तो खुले मैदान को छोड़कर जल्दी से कोई सेफ शेल्टर में चले जाने में ही भलाई है। कहते हैं कि एक अच्छा तैराक ही समंदर का असली मजा ले सकता है, लेकिन अगर आपको तैरना नहीं भी आता है तब भी आप इस समंदर में तैर सकते हैं, क्योंकि हम जिस समंदर की बात कर रहे हैं उसमें चाहकर भी कोई डूब नहीं पाता। जी हाँ, ऐसा समंदर जॉर्डन और इसराइल के बीच में मौजूद है जिसे डेड सी के नाम से जानते हैं। इस समंदर का पानी इतना ज्यादा खारा है कि इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह पाता। यहाँ न तो कोई पेड़ पौधा है और न ही कोई घास। इस समंदर की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसमें पानी का बहाव नीचे से ऊपर की ओर है और यही वजह है कि इस समंदर में सीधे लेट जाने पर आप इसमें डूब नहीं सकते। यानी नमक के दबाव की वजह से कोई इसमें डूबता ही नहीं है। इसके पानी में पोटाश, ब्रोमाइड, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल सॉल्ट की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इससे निकलने वाले नमक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस अनोखे समंदर को देखने के लिए यहाँ हमेशा टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। वेनेजुएला की मैराकाइबो झील दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से एक है जो साल भर भयंकर तूफान से घिरी रहती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अमेरिकन मीटरोलॉजिकल सोसाइटी की एक स्टडी में पाया गया कि मैराकाइबो झील में एक साल में लगभग 297 दिनों तक लगातार बिजली चमकती है और हर एक मिनट में 25 से 40 बार बिजली चमकती है। इसी वजह से नासा ने इस जगह को लाइटनिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का नाम दिया है। बिजली चमकने की रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि लोग रात के वक्त उस रोशनी में पढ़ाई लिखाई जैसे काम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि यहाँ बिजली की कड़क कभी थमती ही नहीं? लोकल्स का मानना था कि इसके पीछे भूत प्रेतों का हाथ है। लगभग 300 सालों के बाद इस झील के किनारे आबादी बसने लगी। जो लोग पहले इस झील को रहस्यमयी मानकर उससे डरते थे, अब वही झील उनके लिए रोजगार का जरिया बन गई। साइंटिस्ट ने जब इस जगह की रिसर्च की तो मालूम हुआ कि झील के साउथ में एंडीज माउंटेन्स है और नॉर्थ में कैरिबियन सी है। समंदर की तरफ से चलने वाली गर्म और नम हवा जब पहाड़ों की तरफ से चलने वाली ठंडी हवा से टकराती है तो ये बिजली चमकती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी अलग है। उनके हिसाब से लाखों सालों में इस झील का पानी और तल कई बार बदलाव से गुजरे है, जिसकी वजह से झील के तल में मीथेन गैस जमा हो गई है। जब झील के तल में जमी मीथेन गैस ऊपर की तरफ उठकर एनवायरनमेंट की गैस से मिलती है तब बिजली चमकती है। अब भी साइंटिस्ट इसके रहस्य को समझने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हैरत अंगेज तौर पर यह तूफान 2010 में अचानक से बंद हो गया था और 6 हफ्ते तक शांत रहने के बाद वापस पहले की तरह हो गया। इटली में एक कस्बा है कासोर्जो। यहां अब तक का सबसे अनोखा चेरी का पेड़ है
जिसे देखकर आसपास के लोग शौक में हैं। इस पेड़ को डबल ट्री कहते हैं। इन पेड़ों को एक साथ नहीं लगाया गया है, चेरी का पेड़ शहतूत के पेड़ पर उगाया है। जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसकी जड़ें शहतूत के पेड़ के खोखले तने से होते हुए नीचे की मिट्टी में फैल गईं। हैरानी की बात यह है कि चेरी के पेड़ पर सारी पत्तियां और फूल हैं, जबकि शहतूत के पेड़ की पत्तियां झड़ गई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी परिंदे ने चेरी के बीज को शहतूत के पेड़ पर गिरा दिया होगा और इस तरह ये पेड़ उग गया। हालांकि पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन वो छोटे पौधे थे और कुछ टाइम बाद मुरझा गए। आप मानो या ना मानो, मगर ऐसी अनोखी चीज पहली बार सामने आई थी। ये एक ऐसी जगह है जो पूरी अर्थ पर मून से सबसे नजदीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये माउंट एवरेस्ट होगा, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा माउंटेन है जो इक्वेडोर नाम की एक कंट्री में है, जो साउथ अमेरिका में है। यहाँ चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। जैसे कि यहाँ एक लाइन है जिस पर टूरिस्ट चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। सिंक में पानी डालने पर ये गोल घूमने की बजाय बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाता है। यहाँ एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर 12 बजने पर परछाई गायब हो जाती है। लेकिन आखिर इस जगह पर ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर फिजिक्स अलग क्यों बिहेव करता है? ये सब होता है सिर्फ इस लाइन की वजह से, जो अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, जिसे इक्वेटर कहते हैं। जब अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, तो इक्वेटर से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होता है और इक्वेटर पर ग्रेविटी कम हो जाती है, जिस वजह से अर्थ का ये पार्ट मून से बहुत करीब हो जाता है। इक्वाडोर में मौजूद माउंट चिम्बार्जो मून से सबसे करीब है, भले ही ये दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन नहीं है। साइंटिफिकली इक्वेटर पर अर्थ नॉर्मल से ज्यादा ऊंची या कहिए बाहर की तरफ होती है और मून से नजदीक होती है, लेकिन इस हाइट पर सर्वाइव करने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ सूरज की गर्मी और ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जिस वजह से यहाँ व्हीकल्स स्लो चलते हैं और बैटरीज जल्दी डेड हो जाती है। लेकिन ये जगह फन, एडवेंचर, नेचर और एंशंट हिस्ट्री से भरी हुई है और यहाँ टूरिस्ट का मेला लगा रहता है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।